देश भर के 7 राज्यों में खाली पड़ी 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव है। इन सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। इनके नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें पश्चिम बंगाल में रायगंज, राणाघाट, दक्षिण बागदा व मनिकतला, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, मंगलौर, पंजाब में जलंधर पश्चिम, हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार में रुपौली, तमिलनाडु में विक्रावंडी और मध्य प्रदेश में अमरबाड़ा शामिल है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन के बाद इन चुनावों में भी सत्ताधारी एनडीए को विपक्ष से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं मंगलौर में बसपा विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना, कांग्रेस ने पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन और बीएसपी ने दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी के बेटे अबिदुर रहमान को टिकट दिया है। यह मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ये चारों सीटें टीएमसी के पास थी। टीएमसी ने लोकसभा चुनाव 2024 में भी शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में इस बार भी इन सीटों पर टीएमसी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। तमिलनाडु विक्रवंडी सीट पर भी उपचुनाव है। इस सीट पर डीएमके विधायक पुगा जयंती के निधन के बाद खाली हुई है। इस सीट पर डीएमके और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है। मध्य प्रदेश की अमरबाड़ा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। यहां से कांग्रेस विधायक कमलेश प्रताप शाह बीजेपी में शामिल हो गए, इसलिए सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की रुपौली सीट पर भी उपचुनाव है। यहां जदयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के बाद चुनाव हो रहा है। अब वो जदयू छोड़कर राजद में आ गए हैं। ऐसे में इस सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीटें होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं। देहरा में कांग्रेस के कमलेश ठाकुर और बीजेपी के होशियार सिंह के बीच मुकाबला है। कमलेश ठाकुर सीएम सुखविंदर सिंह की पत्नी हैं। वहीं हमीरपुर में बीजेपी के आशीष शर्मा और कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा के बीच कड़ा मुकाबला है, जबकि नालागढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह और बीजेपी के केएल ठाकुर चुनावी मैदान में हैं।